नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, किस बुक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों, 2023 में दो एग्जाम है, एक जून में है और एक दिसंबर में। पूरी स्ट्रेटजी आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमको किसी भी कीमत में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जिससे कि आपकी आगे वाली पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका डिजायर टारगेट है, वांछित लक्ष्य है, वहां तक आप जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, बहुत मन से आप अभी से स्टडी करना शुरू करिए और कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप पूरे के पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ सको और अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर सको। जेआरएफ निकालने का एकमात्र स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट हैं, जो यूनिट्स हैं, जो 10 भागों में बटा हुआ है, उसको सबसे पहले एक बार थारो स्टडी करें और अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। यद्यपि कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को खुद क्लियर कर सके और अपने माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखें। तो दोस्तों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक लिस्ट जो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए अगर आप चाहते हो कि 2023 में आप जेआरएफ क्वालिफाई करो और अपने आप को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने कैरियर को बहुत अच्छा करने के लिए जेआरएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो दोस्तों, 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या है? अब जो आपने एग्जाम अभी दिया है या फिर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल क्लियर कट समझ रहे हो कि आजकल जो क्वेश्चन है किसी एक स्पेसिफिक पेपर के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है, सारे यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको पूरे के पूरे सेगमेंट को थॉरोली स्टडी करना ही पड़ेगा, बिना उसके किए सिर्फ आप माइक्रो के भरोसे, सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भरोसे, किसी कुछ पेपर के ऊपर आप सहारा रख के आप कभी भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। नेट क्वालिफाई कर सकते हो बट जेआरएफ नहीं। इसलिए पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़िए। और अगर आप एमए में अगर आप मास्टर करना शुरू करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही टारगेट क्लियर करिए कि हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। एक साल का गहन स्टडी करिए, आपका नो डाउट मास्टर कंप्लीट होने के पहले आपके हाथ में जेआरएफ होगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यूजीसी नेट 2023 इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, तो सबसे पहले देखो ये जो सिलेबस है वो 10 भागों में बटा हुआ है। नंबर वन यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला जो इसमें यूनिट है आप देखोगे, ये है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट है। तो यूनिट वन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट टू है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट थ्री है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, यूनिट फोर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, यूनिट फाइव है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यूनिट सिक्स है पब्लिक इकोनॉमिक्स, यूनिट सेवन है मनी एंड बैंकिंग, यूनिट एट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यूनिट नाइन है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, और यूनिट 10 है इंडियन इकोनॉमी। तो ये 10 भागों में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। आपको प्रत्येक सेगमेंट के लिए मैं बुक बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बुक बताऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि जेआरएफ क्वालिफाई करो तो इन सभी सेगमेंट को आपको अच्छे से थारोली स्टडी करनी ही पड़ेगी, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई चारा है नहीं। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको दो बुक सजेस्ट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए जो सबसे बेहतर बुक है वो है डॉक्टर एस एन लाल का माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ट अर्थशास्त्र। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आता है। नो डाउट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जिनका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे परफेक्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप बुक को पढ़िए, सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गागर में सागर आप कह सकते हो इसको। बहुत कम पन्नों की बुक है बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप इसको जरूर जरूर आपको पढ़ना चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम में हैं। इंग्लिश में ये बुक नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हो तो आपको एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एचएल आहूजा एस चांद की बुक लेनी चाहिए। इस बुक के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूं। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं इसको लिख रहा हूं, जब एचएल आहूजा साहब नहीं रहे तो ये एस चांद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो मैं इसमें काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एस एन लाल सर के बुक के साथ साथ इसका हिंदी वर्जन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि
बहुत ऐसी चीजें हैं जो इसमें आपको नई चीजें मिल सकती हैं। तो दो बुक आपको लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, हिंदी में डॉक्टर एस एल लाल और हिंदी में आपको एच एल आहूजा भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। यही वाला कवर आप देख के लीजिएगा, एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलग बुक्स है। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि एडवांस इकोनॉमिक थियरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपको लेना है इंग्लिश में और हिंदी में भी यही आपको लेना है। तो दोस्तों ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो हिंदी में एच एल आहूजा का उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ये यूजीसी के एमए के मॉडल पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। ये बुक हिंदी मीडियम के लिए द बेस्ट है। जब आप इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में बहुत सी बुक आती है, बट अगर मैं यूजीसी जियारत और नेट को प्लान कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी एच एल आहूजा एस चांद। और आप पढ़ना चाहो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी रिचर्ड टी फ्रियान की पढ़ सकते हो जो पियर्सन से आती है। तो इंग्लिश में आपको या तो आप मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ सकते हो, इससे भी आपका काम चल जाएगा, बट अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा जानना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है और हर जो ब्रांचेज है कहीं ना कहीं इसी से डिराइव है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स रिचर्ड टी फ्रियान का भी द बेस्ट है यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप ले सकते हो। हिंदी में आप उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र ये लो एच एल आहूजा की बुक। तो ये आपको हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अब आइए यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो ज्यादा क्वेश्चन तो इकोनोमेट्रिक्स से आते नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं या फिर ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए और इकोनोमेट्रिक्स के लिए जो बुक है वो दामोदर गुजराती को मैं आपको बोलता हूं कि आप दामोदर गुजराती की बुक ले लें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न इससे आपको नहीं आएंगे। जब आपको मैं स्टैटिस्टिक्स कहता हूं तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी के 11 12 के बुक से कवर हो जाएगी। आप जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो, कुर्टोसिस हो, कोरिलेशन हो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दी गई है। इसके अतिरिक्त आप ये भी बुक पुस्तक आप पढ़ सकते हो, दिस इज द बेस्ट बुक स्टैटिस्टिक्स मेथड। ये जो है शुक्ला और सहाय की बुक इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, आप इसे भी पढ़ सकते हो स्टैटिस्टिक्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे भी ज्यादा जाते हैं, तो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में दो चार ही क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप चाहो तो दामोदर गुजराती की बुक पढ़ सकते हो, मेरा नोट्स भी देख सकते हो, मोर देन सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आइए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो उसके लिए जो मैं बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक बुक, मेहता और मंदानी। सिर्फ मेहता और मंदानी पढ़ लीजिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप इसके लिए डॉक्टर एस एल लाल सर की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको एस एल लाल सर की बुक नहीं मिल रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको यहां शेयर कर रहा हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है @DSRP1। जब आप जाएंगे तो दिग्विजय इकोनॉमिका जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन करिए, ताकि वहां पे आपको डॉक्टर एस एल लाल की सारी बुक्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट करिए, ये है 6307374827। तो नोट्स या किताबों के संबंध में कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो इसके ऊपर मैसेज करिए, कॉल करने से बचिए, क्योंकि बहुत बिजी रहता हूं तो कई बार आपका कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा। तो मैसेज कर दीजिए, आपको जो है नोट्स और जो है आपको जो बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, आगे आ जाइए दोस्तों। अब हम आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो नो डाउट एच जी मनूर की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़िए, द बेस्ट बुक है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। आपके लगभग लगभग जितने भी प्रश्न आते हैं वो इसी से आते हैं, नो डाउट ये बहुत अच्छी बुक है। सेल्वाटोर की बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन सेल्वाटोर को बुक को पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये जो है इससे आपका काम चल जाएगा। एच जी मनूर ये बहुत ही सिंपल है, यही कलर की बुक आएगी, हमेशा यही रहती है, और इसको आप ले सकते हो। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रोफेसर एस एल लाल सर की बुक ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो मुझसे कल संपर्क करिए, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, टेलीग्राम पे जाइए और जो है मैं आपको ये बुक अवेलेबल करवा दूंगा।
तो यहां से आप आ सकते हो और फिर मेरे नोट्स जो है मैं आपको जैसा कि बताया कि वो सारे अवेलेबल हैं हर सेगमेंट के ऊपर और द बेस्ट है अगर सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ लो तो किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में जब आओगे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में देखिए एचएल भाटिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम के लिए नो डाउट आप पढ़िए लोकवित्त डॉक्टर एसएन लाल साहब की और मेरे नोट्स सारे के सारे सेगमेंट के ऊपर अवेलेबल है और मोर देन सफिशियंट है। तो दोस्तों यहां पे अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो रही है एसएन लाल सर की बुक के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और वहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। मनी एंड बैंकिंग के लिए जो मैं इंग्लिश में बुक आपको रिकमेंड करूंगा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स सूरज भान गुप्ता एस बी गुप्ता की और हिंदी में फिर एसएन लाल सर की बुक की मैं बात करूंगा, इनको आप पढ़िए आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी और मेरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से। यूनिट देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके लिए जो बुक है वो सबसे अच्छी बुक है एपी थिलवाल की, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सी बुक आती है, झिंगर की बुक आती है, लेखी की बुक आती है, आप कोई भी सहारा ले सकते हो। बट जो कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए उसको वीडियोज को देखिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बाकी अगर आप इंग्लिश में है तो एपी थिलवाल पढ़िए, हिंदी में अगर आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो यहां पे आपको एसएन लाल सर की बुक ले ली चाहिए। एसएन लाल की बुक हिंदी के प्रत्येक जो हिंदी विशुद्ध हिंदी वाले हैं जो कि नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि एसएन लाल सर की सारी सीरीज आप ले लो। नहीं मिल रहा है तो मुझसे संपर्क करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो नो डाउट वो सारे के सारे जो बुक है हिंदी मीडियम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एसएन लाल सर की बुक पढ़िएगा, छोटे में लिखे गए हैं, टू द पॉइंट लिखे गए हैं, कॉन्सेप्टुअल लिखे गए हैं। बाकी अगर आप डेवलपमेंट में देखोगे तो बहुत मोटी मोटी बुक आएगी बट आपको उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एसएन लाल सर की बुक पढ़िए या फिर इंग्लिश में है तो एपी थिलवाल पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नौवें नंबर का है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो एमएल झिंगर की बुक मैं यहां रिकमेंड कर रहा हूं और डेमोग्राफी की आप ये पढ़ सकते हो, मेरा नोट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए आप एमएल झिंगर पे जा सकते हो और डेमोग्राफी के लिए। और दसवां यूनिट जो आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, अगर आप ध्यान से देखोगे सिलेबस को पैटर्न्स को और जो आजकल के दो पिछले दो बार के पेपर हुए हैं तो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो रोल है वो काफी बढ़ चुका है नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स में। तो मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा। नंबर वन डॉक्टर एसएन लाल सर का भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो भी आपको यही बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे अच्छी बुक मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ इस बुक को पढ़ लो भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर नहीं मिले तो मुझसे संपर्क करो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस बुक से पूरे नेट जीआरएफ के लगभग 30% प्रश्न इसी से आएंगे। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप सबसे शुरू करना चाहते हो तो दो बुक से शुरू कर सकते हो आप नेट जीआरएफ की तैयारी, एक डॉक्टर एसएन लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स और डॉक्टर एसएन लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो बेस्ट बुक है बेटा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की है, पढ़ सकते हो, नेट से पढ़ सकते हो, जितने भी सिलेबस हैं वो मेरे नोट्स आप ले सकते हो। बट अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और या फिर इंग्लिश मीडियम है और आपको हिंदी आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जरूर जरूर आपको पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बाकी जो है मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ये तो मैं बोल ही दूं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने मन में ये विचार करो कि मुझे 2023 का नेट जीआरएफ एग्जाम किसी भी कीमत पे क्वालिफाई करना है। अगर आप अपने मन में इस विचार को बना लेते हो, अपने विल पावर को स्ट्रांग करते हो तो तुम कर जाओगे। मैं आपके साथ हूं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करिए, कोई भी सहायता है मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा। और आप अपने आप को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं 2023 में वो अपने आप को दीजिए जीआरएफ निकाल के, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब 40,000 रुपीज आपके खाते में आएंगे तो आप सोचिए अपने करियर को आप कहां लेके जा सकते हो, कितना अच्छा रिसर्च कर सकते हो, अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो। दोस्तों बिल्कुल समय जाया मत करिए क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जून में एग्जाम हो जाएंगे, लगभग 15 से 25 जून के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, तो मार्च 15 मार्च आपका हो ही गया तो आपके पास बचा है अप्रैल मई जून, सिर्फ 90 दिन। 90 दिन में आप कैसे तैयारी करें एक नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मैं बताऊंगा कि 90 दिन में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या होगी टू क्रैक जीआरएफ इकोनॉमिक्स। तो इन बुक लिस्ट को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रख के मंगाइए, नहीं अगर मिल रही है तो मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको सारे एसएन लाल सर का बुक का सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। और डोंट वेस्ट टाइम, पूरे एनर्जी के साथ 2023 जून में जीआरएफ क्वालिफाई करना है, इस उद्देश्य से आज से लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।